राणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीती रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच अम्बाला छावनी के प्रसिद्ध रामबाग परिसर में स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मंदिर के महंत बाबा श्री 108 कल्याण दास जी ने बताया कि चोरों ने पहले बड़े गेट का ताला तोड़ा, फिर बाद में श्री राम दरबार का ताला तोड़कर 40 किलो और 20 किलो वजनी दो गल्लों को तोड़कर 40,000 रुपए चुरा कर रफूचक्कर हो गए। बताया गया कि श्री राम जानकी मंदिर में ये तीसरी बार चोरी हुई है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों की हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। इसकी फुटेज को देखने से लगता है कि 3 से 4 चोरों ने इस वारदात को बीती देर रात 2:11 से 2:20 तक अंजाम दिया है। दोनों गले निकाले और फिर समीप में ही कब्रिस्तान में ले जाकर इन्हें तोड़ा और दान की 40,000 से अधिक की राशि को चुरा लिया। महंत बाबा श्री 108 कल्याण दास जी महाराज ने पुलिस और जिला प्रशासन से गुहार की है कि इस क्षेत्र में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाए और पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भगवान के घर को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन चोरों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाना चाहिए। अम्बाला छावनी से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, ये कल रात्रि में मंदिर में घटना घटी। 3 गेटों के ताले तोड़ के मंदिर की गोलक, जो 2 गोलक थी, वो चोर उठा ले गए। कैमरे देखे तो कैमरे में 3 चोर हैं, एक जो कच्छा पहने हैं, 2 ट्रक सूट में, नाइट सूट में, और हमारे यहाँ ये तीसरी वारदात है। हम यहाँ के पुलिस अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया यहाँ रात्रि गश्त या ऐसी सुरक्षा दी जाए। साधु ब्राह्मण संकट में हैं, इस राज्य में आशा थी कि ये काम से रुकेंगे। अम्बाला कैंट में ये घटनाएं हर रोज तेज होती जा रही, कृपया अधिकारी इन पर ध्यान दें, हमारा निवेदन है। देखें क्या होगा, साधु ब्राह्मण तो रह ही नहीं पाएंगे, ये धर्म पे संकट है। देखें ये सभी शहरवासियों से कि इस तरह से क्या होगा मंदिरों का। आप लोगों के द्वारा ये भैया न्यूज वाले आए हैं तो आपने खबर दें, इन तक पहुँचाएँ, इससे कोई भी कार्रवाई हो और ऐसे चोर पकड़े जाएं। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक ये घटना बढ़ाते रहेंगे और किसी दिन जान माल का भी खतरा हो सकता है। शमशान सुनसान में तो है ही यहाँ। बकायदा मंदिर के महंत जी से बात होने के बाद कुछ मंदिर के सेवादार और भी यहाँ विख्यात पंडित जी जो हैं दीपलाल जयपुरी जी अम्बाला से यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। पंडित जी, किस तरह की घटना को जो है रात को चोरों ने जो है अंजाम दिया, बकायदा सीसीटीवी फुटेज को भी जो है खंगाला जा रहा है, क्या बताएंगे इसको लेकर आप? सुबह करीब 7:30 बजे मेरे पास फोन आया और फोन आया कि मंदिर में चोरी हो गई है। मैं काफ़ी धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। पंडित दीपलाल जयपुरी आपके सामने है। बहुत ही शर्मनाक विषय है कि अब चोरों ने धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बना लिया है। यहाँ से पीछे से दीवार फांद के आए हैं 3 चोर। पहले उन्होंने नशा वशा किया है, पड़ी हैं बोतलें शराब की इत्यादि, और फिर इन्होंने एक गल्ला जिसका 40 किलो वजन था, दूसरे का 20 किलो वजन था, उसको उन्होंने 3 व्यक्ति बताए हैं। 3 व्यक्तियों ने इसको अंजाम दिया वारदात को। तो मेरा वर्तमान जो सरकार है उससे निवेदन आग्रह है कि एक तो यहाँ श्री राम जानकी मंदिर के आसपास लाइटों का प्रबंध करें, यहाँ पुलिस की मुस्तैद करें, गश्त करें, क्योंकि धार्मिक स्थलों पे ऐसा होना, क्योंकि प्रतिदिन अखबार पढ़ रहे हैं, कभी ATM के बाहर कोई स्नैचिंग हो रही है, कभी बैंकों के बाहर चोरियां हो रही हैं, कभी सुभाष पार्क के सामने चोरियां हो रही हैं, कभी किसी पार्क के बाहर किसी महिला का कुछ हो रहा है, प्रतिदिन अखबार भरे पड़े हैं। अब आलम यह है कि धार्मिक स्थलों को भी इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरा निवेदन है मौजूदा सरकार से कि यहाँ पर सख्ती करें, धार्मिक स्थलों पर मुस्तैद करें, कर्मचारी स्थापित करें। ओम नमः शिवाय। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।